हाय दोस्तों, आपके अपने आईटीआई चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम विकास गुप्ता, जैसे कि आप जानते हैं मैं आईटीआई के ही बेस पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लाता रहता हूँ। तो आज का टॉपिक, जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल में ऊपर, तो हम देखते हैं दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ आज। तो ये है कुछ जो पेंटर जनरल, वैसे तो हर ट्रेड में पूछे जाते हैं, ऑल ट्रेड्स में हैं ये जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पेंटर जनरल वर्कशॉप कैलकुलेशन इज साइंस, क्वेश्चन इज सॉल्यूशन। तो ये पेंटर जनरल के नहीं है मैक्सिमम, ये हर ट्रेड में पूछे जाते हैं दोस्तों। हर एक ऑल ट्रेड जो होते हैं आईटीआई के, उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ये कैलकुलेशन, मैथ ऑफ कैलकुलेशन, साइंस ऑफ कैलकुलेशन के दोस्तों, ये क्वेश्चन एक लेवल का होता है। जो भी मैं क्वेश्चन लाता हूँ, लेवल पर क्वेश्चन लाता हूँ जब भी लाता हूँ। और ये मेरी जो मैं बुक जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया, उसका पार्ट 10 है दोस्तों। ये जैसे कि देखते हैं, हम टेक्निकल क्वेश्चन है, वट विल बी द फंक्शन ऑफ द 4%, इसका आंसर डी है दोस्तों, 1/25। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 2.09 कैन बी इज एक्सपेक्टेड इन द टर्म्स ऑफ द परसेंटेज हैज, इसका आंसर सी है दोस्तों, 209 ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वट इज 15% ऑफ 34, ए इसका आंसर होगा 5.10। तो जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हो, तो ये आप आसानी से आईटीआई में जाओगे, आसानी से क्वेश्चन आएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप टिक आराम से कर सकते हो, कोई आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक लेवल पे क्वेश्चन होते हैं। जो लेवल पे जो क्वेश्चन होते हैं, उनका कभी भी कुछ चेंज नहीं होता। तो ये क्वेश्चन तो पूछे जाते ही हैं हर एक फील्ड में, हर एक जो भी आपका टेक्निकल एग्ज़ाम होता है वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वो सेम रहते हैं, और वैसे ही सेम आते हैं क्वेश्चनों। ये देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, एवलेट 28% ऑफ द 45 + 45% ऑफ 280। तो देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर है सी, 252। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो इसका आंसर बी है दोस्तों, 4% होगा। अब देखते हैं दोस्तों, ये मैथ क्वेश्चन, अब देखते हैं साइंस, मैथ कैलकुलेशन ऑफ साइंस, जो दो पेपर वो दोनों मिक्स आते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं, 75 नंबर का पेपर होता है, मैं वो बता दूं। और ये जो जो आपके जो फोर्थ सेमेस्टर पेपर आते हैं, मैक्सिमम आपके ट्रेड से ही होंगे, और आपके ये जो आपके जो क्वेश्चन होंगे, ये मैथ ऑफ कैलकुलेशन साइंस, तो साइंस के बेस पर होंगे दोस्तों। आपने 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं हार्ड लेवल के होते हैं, वो एक लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो हर फील्ड में पूछे जाते हैं दोस्तों। एक लेवल का क्वेश्चन होता है, जो भी मैं लाता हूँ मटेरियल, वो एक लेवल का होता है मटेरियल जो भी मैं लाता हूँ। देखते हैं, ए विस्कोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी यू कैन कैन गिव यू, तो इसका आंसर डी है दोस्तों, ऑल ऑफ दीज। विस्कोसिटी ऑफ मूविंग द ऑब्जेक्ट, एसेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, इसका आंसर डी, ऑल ऑफ दीज होगा। नेगेटिव एसेलरेशन इज ऑल्सो नाउ एज, इसका आंसर ए, रेक्टिलेशन। तो देखते हैं हम आठवां क्वेश्चन दोस्तों, ए कार कर्व्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, इट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, इसका आंसर सी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी कार। देखते हैं हम स्पीड डिफाइंड हैज डी एस का दोस्तों आंसर, द चार्ज ऑफ डिस्टेंस विद द रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट टाइम, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर दोस्तों मैं इंग्लिश में इसलिए क्वेश्चन लाता हूँ दोस्तों, इंग्लिश की एक तो लैंग्वेज चेंज नहीं होती, ये एक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। दूसरी चीज़ क्या दोस्तों, मैं एक फोर्थ सेमेस्टर का और जो सेकेंड सेमेस्टर का जो बच्चे अभी आएंगे जो फर्स्ट ईयर में, वो भी कर सकते हैं, तो उसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगा ऊपर की साइड, फोर्थ सेमेस्टर का पेपर मैथ का, प्लस में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर ईमेल डाल दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या मेरी बुक चाहिए हो पेंटर जनरल की, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। प्लस में सेकेंड जो आप जो बच्चे फर्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम देंगे बच्चे जो फर्स्ट ईयर का, उनके लिए भी मैं सेकेंड सेम का जो मैथ का पेपर है, मैथ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ साइंस, उसका ही मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप देख लेना दोस्तों। और ये जैसे कि दिख रहा है एक बॉर्डर मार्क की तरह मेरा नंबर है, वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कुछ पूछना, कुछ डाउट हो। तो देखते हैं दोस्तों 10th क्वेश्चन, ग्रेडियंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स, इसका ए विस्कोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट,
दोस्तों आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन द डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका नाम बी है दोस्तों अपोजिट। ये दोस्तों ये जो फ्रिक्शन है दोस्तों, ये फोर्थ सेमेस्टर में इसका चैप्टर है फ्रिक्शन वाला, घर्षण जिसे कहते हैं। ये मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से पूछेगा दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर में, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से, पूछ चुका पहले भी, पूछते हैं हर बार ये। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन, इसके अंदर सी है बहुत, ए बी दोनों। नेचर ऑफ द फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों ये इंग्लिश में, हिंदी में भी जो मैं क्वेश्चन पेपर वो मैंने डाला हुआ है, ऊपर ऊपर की साइड डाला हुआ है, मतलब आई बटन में आप देख लेना, और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है मैंने। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को जितना मर्जी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनके तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं कभी ना कभी, अगर आप उनके करोगे तो प्लीज़ दोस्तों शेयर करना ना भूलो वीडियो को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, क्योंकि मैं आईटी के बेस पे वीडियो लाता रहता हूं। तो देखते हैं दोस्तों 13 क्वेश्चन। द बॉडी विल बी मूव ओनली द वैन, इसका आंसर बी है दोस्तों, फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन और ये जो साइन है छोटे बड़े का अप्लाइड फोर्स। तो दोस्तों देखते हैं 14 क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द लिमिटिंग ऑफ फ्रिक्शन एफ से जो कहते हैं टू द नॉर्मल रिएक्शन, इसका दोस्तों आंसर है आर इज नाउ एज, इसका आंसर ए है कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। दोस्तों देखते हैं 15 क्वेश्चन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू, इसका आंसर बी है दोस्तों, यू आर से होता है इसका। तो दोस्तों देख सकते व्हेन द टू सरफेस इज कॉन्टैक्ट हैव ए थिंग इज लेयर इज द लुब्रिकेंट इज इन बिटवीन देन इट इज नाउ एज, इसका आंसर डी है दोस्तों, फिल्म फ्रिक्शन होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम व्हेन द सरफेस, इसका आंसर ए इज ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आउटपुट ऑफ द ट्रैक इज 45,000 जूल एंड इट्स एफिशिएंसी इज 50% इनपुट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द ट्रैक इज सी एस कजन 9,000 जूल। पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी आर द टाइप ऑफ, कौन सी एनर्जी है दोस्तों? ये मैकेनिकल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मिला के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इन ए टाइपिकल पावर इज अ स्टेशन एमिट एज अ सीरीज ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर एंड इज अ कन्वर्शन ऑफ 70% ऑफ द एनर्जी इनपुट द गेट्स ऑफ वेस्टेड इन द फ्रॉम इन द थर्मल एनर्जी वी द एफिशिएंसी ऑफ द सच ऑफ पावर स्टेशन अबाउट ए 0.3 होता है इनका। ये दोस्तों जैसे कि देख रहे 21 क्वेश्चन, ये तो हर मैक्सिमम में भी पूछा है, कई बार ये पूछते हैं क्वेश्चन, आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए कार यूज द टोटल एनर्जी ऑफ द 25,000 जूल एंड द आउटपुट इज द 2500 और ये जैसे और 75 जूल इफिशेंसी ऑफ द कार इज बी एस के अंदर 30% होगा। तो देखते हैं 20 क्वेश्चन 22। इन द ऑर्डर टू डू वर्क एनर्जीज, तो इसका आंसर ए ट्रांसफर फॉर ऑन द कन्वर्टेड। तो देखते हैं दोस्तों ये एक कार इज द ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ द 15 किलोमीटर विद द कॉन्स्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ 500 एंड इट इज वर्क डन इज, इसका आंसर ए है 750,000 तक हो गया जूल। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज द डिवाइड 43, 91 and 183 सो एज द टू दैट लीव्स द सम ऑफ द रिमाइंडर इज ईच केस ए, इसके अंदर जो चार होगा फोर होगा। द एस सी एफ ऑफ द टू नंबर इज द 23 एंड इज अदर टू द फैक्टर्स फैक्टर ऑफ दीज एल सी एम आर द आर 13 and 14, the layer of the two numbers is, you can see answer 3322. Which of the flowing method is used to coat metallic elements of the providing coarsine? DS can answer none of these. मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्तों, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा मैथ ऑफ कैलकुलस ऑफ साइंस का पेपर होगा, उस पेपर में दोस्तों आप
का तो मैथ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, 5 से 6 क्वेश्चन ज़्यादा जाता, 7 8 मैक्सिमम 8 क्वेश्चन मान के चलो आप, और आपके 5 6 क्वेश्चन आपके आएंगे साइंस के आएंगे, और बाकी जो क्वेश्चन है दोस्तों 14 से 15 क्वेश्चन आपके ट्रेड के ही पूछे जाएंगे, 14 12 13 क्वेश्चन आपके, 10 क्वेश्चन ट्रेड के ही पूछे जाएंगे, जो आपने जोन सी ट्रेड में हो आप, किसी में भी हो, पेंटर वेंटर किसी में भी हो उसमें से। और बता दूँ मैं आपको, व्हाट विल बी दर रेगुलर फंक्शन ऑन करके, तो दे सके देख लेना दोस्तों, ये डेंसिटी कैन इज डिफाइंड हैज, इसका आंसर है बी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जैसे कि हम नीचे जा रहे हैं कुछ इस तरह का है, और ये हाँ दोस्तों जैसे कि आपने देखा ये कुछ इस तरह का है, मैं नीचे करते जाता हूँ थोड़ा देख लेना अभी। तो ये मैं आपको जैसे कि बता रहा था कि आपके जो ट्रेड में 4 सेमेस्टर का पेपर है उसमें से मैक्सिमम 7 से 6 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, और 5 से 6 क्वेश्चन आपके आएंगे जो साइंस के आएंगे, और जो क्वेश्चन है 10 से 12 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड आएंगे दोस्तों, जिस ट्रेड में आप हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पहली बात दोस्तों, ये पेपर का टेक्निकल समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप पास होना चाहते हो, अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो, इसलिए होता है ये। जैसे कि हम देखते हैं 38 क्वेश्चन, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड है, इसका आंसर डेंसिटी है। जैसे कि हम देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको नीचे करता जाता हूँ, आप क्वेश्चन देख लेना, तो वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है। तो द पेंट ऑफ विच इज हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, इसका आंसर सी है, कैसिन पेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग पेंट इज हाईली रेजिस्टेंट ऑफ फायर, इसका आंसर सी है, एस्प्रोटोस पेंट है। तो ये कुछ पेंटर के जो मैंने दिखाया, मैंने पेंटर की मैंने बुक बनाई है, तो उस पेंटर के ही दिखेंगे आपको दोस्तों। और जो कैलकुलेशन में मैथ और साइंस के क्वेश्चन है, इसमें साइंस के मिक्स है और पेंटर के भी मिक्स है। तो और आप बाकी ट्रेडों से आप हो तो अपनी आप ट्रेड देख लेना, बाकी जो मैथ और कैलकुलेशन साइंस के पेपर है तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। स्पीड वन इज कॉन्टेंट ऑफ, जैसे कि मैंने दिखाया था कि पेंट्स आपको जो भी ट्रेड से रिलेटेड हो तो उसका ही आएगा, स्पीड वन इज कॉन्टेंट ऑफ, उसका बी स्पीड एंड स्लैक।